हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। यहाँ पर देख सकते हैं ये लिखा हुआ है सी हैश, नहीं ये सी हैश नहीं लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो बिगिनर होते हैं, जो सीखने आते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, तो इसको गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं, गलत इसको समझ लेते हैं। ये लिखा गया है सी शार्प, ये सी शार्प एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और सी शार्प जो है आगे चल करके बनी, पहले सी बना, सी से ही डेरिवेट होकर जावा आपका बना था, सी से ही डेरिवेट होकर सी प्लस प्लस बना था। तो क्यों सी प्लस प्लस से सी शार्प की तरफ हम गए और कौन सी लैंग्वेज पुरानी है, तो यहां पे देख सकते हैं सी प्लस प्लस जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी वो बार्जन स्ट्रस्टफ ने बनाई थी और ये बनी थी 1979 में। और यहां पर जो सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी ये जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये .NET फ्रेमवर्क पे रन करती है और इसे जो है बनाया गया था 2000 के बाद ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनी थी। तो C++ पहले बनी थी और उसके बाद में आया, 2000 के बाद आपका जो है ये C शार्प आया था। तो इसको पढ़ने में कंफ्यूजन हो जाती है और भाई आप भी अगर नए नए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ने जाएंगे तो इसको देख करके कंफ्यूज होंगे, क्योंकि मोबाइल में ये हैश का बटन जाना जाता है लेकिन यहाँ पर इसे बोलेंगे C शार्प, ठीक है। .NET फ्रेमवर्क पे ये काम करती है। तो इस तरीके से जिन्होंने सी बनाई उनका नाम था डेनिस रिची और जिन्होंने जावा बनाया उनका नाम था जेम्स गॉसलिंग, जावास्क्रिप्ट बनाने वाले का नाम था ब्रेंडन ईच और जिन्होंने सी शार्प बनाई थी, सी प्लस प्लस को तो स्ट्रॉस्ट्रफ ने बनाया था, बार्जन स्ट्रॉस्ट्रफ तो ये तो यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन जिन्होंने सी शार्प बनाया था आप कह सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा सी शार्प डेवलप किया गया था। अब ये डिजाइन किया गया था सी शार्प जो है, एंडर्स हेजलबर्ग नाम था इनका, और जिन्होंने डेवलप किया था इसे उनका नाम था मैट्स टॉरगर्सन, ठीक है।